अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो जी, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ हेल्दी सहरी मील आइडियाज़, जिसमें सबसे पहला आइडिया है जी पराठा अंडा का। क्योंकि हम में से बहुत से, बल्कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको जब तक वो सहरी में कुछ अंडा या पराठा यानी हेल्दी और फुलफिलिंग ना खाएं तो वो रोज़ा नहीं रख पाते, तो ये स्पेशली उनके लिए है। इसमें बहुत हेल्दी है और अंडे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है और बहुत न्यूट्रिशंस होते हैं। तो उसको सबसे पहले मैंने जो ऐसी वेजेस में डाल रही हूँ जो कि सब घरों में ईजिली अवेलेबल होती हैं, मैंने थोड़ा सा प्याज, टमाटो, ग्रीन चिलीज़ और उसमें अंडा और स्पाइसेस आपने अपने अकॉर्डिंग डालनी है, ताकि ज़्यादा स्पाइसेस अगर आप सहरी में यूज़ करें तो वो हार्ट बर्न होता है और रोज़ा जो है कंप्लीट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे मैंने एक अंडा जो था, पराठा जो था, मैंने बेल लिया और मैंने अंडे को उसके ऊपर ही लगा लिया और थोड़ा सा ऑयल मैंने थोड़ा सा लगा लिया। आप अपनी चॉइस से बटर, घी, जो भी आपकी चॉइस हो आप लगा सकते हैं। बहुत सिंपल है और ये सारी चीज़ें हर घर में ऑलवेज अवेलेबल होती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मील था जो कि हम इजीली सहरी में यूज़ कर सकते हैं, जो कि था पराठा अंडा। जब कोई भी सालन नहीं बना होता तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन हैव इन द सहरी। तो नेक्स्ट आ गया जी, मैं जो बना रही हूँ पालक। यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी सी बेबी स्पिनिश मिलती हैं, बड़ी नहीं मिलती जैसे पाकिस्तान में मिलती हैं, तो मैं इनको कट करके वॉश करके फ्रीज़ करने वाली हूँ। क्योंकि रमज़ान तो अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ किया, लेकिन पकौड़ों को हमने अपने ऊपर खुद ही फ़र्ज़ कर लिया, तो इनको मैं फ़्रीज़ कर दूंगी ताकि मैं रमज़ान में पकौड़े जो हैं वो बनाने के लिए, पालक साथ साथ मेरा जो नेक्स्ट मील मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट मील। और अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं और हेल्दी चीज़ें ईट करना चाहते हैं, पालक में बहुत ज़्यादा वाइटामिन के, वाइटामिन सी, फॉलिक एसिड और आयरन होता है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत बहुत न्यूट्रिशंस होते हैं इसमें। और ये जब रेसिपी वेट लूज़ करने के लिए भी बहुत अच्छी है। जब मुझे भी कोई शौक़ होता है ना वेट लूज़ करने का, तो मैं इस रेसिपी को अपने मील आइडियाज़ में ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि ये एक फिलिंग रेसिपी है और मज़े की भी बनती है। सुनने में तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि पालक अंडा बना रही है, लेकिन ट्रस्ट मी, इट लुक्स, इट टेस्ट वेरी वेरी डिलिशियस। तो पहले तो मैंने पालक को साथ ही कट करके फ्रीज़ कर लिया, मैंने कहा साथ में मैं एक काम भी हो जाएगा और सेकेंडली हाँ मैं अपना नेक्स्ट मील भी जो है वो प्रिपेयर कर लूँ। आल्सो वेरी सिंपल रेसिपी, आपने थोड़ी सी पालक लेनी है और इसमें ज़्यादा स्पाइसेस कुछ नहीं है, सिंपल आपने नमक डालना है और ब्लैक पेपर डालना है, और आप एज़ पर आप योर चॉइस आप जितने मर्जी एग्स का ऑमलेट बना सकते हैं इसके साथ। और इसमें आपने कोई स्पाइसेस नहीं डालनी बिकॉज पालक का अपना ही एक बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। तो मैंने यहाँ पर 2 eggs डाले हैं, वेट लूज़ के लिए बहुत बहुत अच्छी रेसिपी है, इससे बहुत जल्दी वेट लूज़ होता है। तो जब भी आप वेट लूज़ करना चाहें आप इसको, इस मील को ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट में। और यहाँ पे मैंने पैन को थोड़ा सा गर्म कर लिया था और इसमें मैंने कॉर्न ऑयल जो था थोड़ा सा स्प्रे किया था, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा में जो ऑयल है हम कंज्यूम ना करें। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा साइड चेंज कर दिया, इट्स ऑलमोस्ट डन। बहुत ही यमी होता है, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रेसिपी एंड हेयर आई एम गोइंग टू ट्राई, मस्ट ट्राई इट, इट्स रियली डिलीशियस। द अदर रेसिपी इज बेसन की रोटी। बेसन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत फिलिंग होता है, हेल्दी होता है। इसमें भी आपने अपनी चॉइसेस से जो भी आपकी वेजीज ऑफ चॉइसेस हैं आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें प्याज, थोड़ा सा टमाटर और धनिया पाउडर और धनिया भी डाला है, और मैंने इसमें थोड़ा सा जस्ट 1 pinch ऑफ सोडा डाला है, ताकि आपकी रोटी जो है बिल्कुल भी सिकुड़े ना, अकड़ ना जाए। तो आपने इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है, मिक्स कर लेना है, और आपने इसको बहुत ज़्यादा फुल आंच पर नहीं पकाना, आपने इसको मीडियम आंच पर पकाना है। आप ज़्यादा तेज़ में पकाएंगे तो बेसन जो है वो फुली कुक नहीं होगा, कच्चा रह जाएगा। और अगर आप इसको हल्की आंच पर पकाएंगे तो ये बिल्कुल अकड़ जाएगा। तो मैंने अगेन उसको स्प्रे कर लिया था पैन को ऑयल के साथ, एंड इट नॉर्मल मीडियम आंच पर मैंने इसको कुक कर लिया था। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं और ये भी बहुत हेल्दी होती है, और इससे भी आपका वेट गेन नहीं होता ज़्यादा, और ये फुल ऑफ प्रोटीन है, और ये टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इसका। इट्स जस्ट लाइक
पकोड़े ही हो गया, लेकिन आप इसकी रोटी भी बना सकते हैं। देखिए, मैंने सिर्फ थ्री टेबल स्पून जो था ना, मैंने बेसन ऐड किया था, और उससे मेरी तीन रोटियां बन गई थी। इट वाज़ रियली यम्मी। आप इसको सिंपल योगर्ट के साथ, और वो जो पुदीने वाली पुदीना योगर्ट होती है, आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी और न्यूट्रिशन से फुल ऑफ रेसिपी है। एंड हियर इट कम्स। नेक्स्ट कैटेगरी में मैं आज बनाने जा रही हूँ चाय, और जो कि थोड़ी सी स्पेशल चाय है। सबसे पहले हम पानी रख देते हैं कैटल में ताकि ये गर्म हो जाए। और जैसे कि सहरी में भी लोगों को बहुत क्रेविंग होती है हमारे के, हमने चाय पीनी है सहरी में भी, तो आप चाय नहीं भी पी पाते क्योंकि सहरी में उसके बाद आपने सोना होता है थोड़ी देर के लिए, हमें रेस्ट चाहिए होता है। तो इस डर से कि हम चाय पी लेंगे तो नींद नहीं आएगी, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको जो है कैफीन बहुत अट्रैक्ट अफेक्ट करती है। आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोस्त के मैं अगर चाय पी लूँ ना शाम में तो मैं अगली फजर तक जागती रहूँगी। तो ये मैंने अच्छा ट्राई किया था एक, यहाँ मैं बना रही हूँ डी कैफ चाय। आप देख सकते हैं लिप्टन की डी कैफिनेटेड ब्लैक टी है ये। ये लिप्टन इज अ ब्रांड के आपको कहीं भी मिल जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अमेरिका में ही ये अवेलेबल है, आई थिंक हर जगह मिल जाता है। तो डी कैफ चाय, इससे आपकी नींद जो है ना वो नहीं उठती। दिस इज़ द गुड थिंग कि आपकी चाय की क्रेविंग भी पूरी हो जाती है, और आपकी जो है नींद को भी आपको कोई इश्यू नहीं होता, क्योंकि मोस्टली लोग क्रेविंग होती है कि हमने सैरी कर लिया तो हमने चाय पी के ही सोना है, लेकिन वो नहीं पी पाते मेरी तरह क्योंकि उनकी नींद उड़ जाती है। और अफ्तारी के बाद तो बहुत ही ज़्यादा होती है ना, क्योंकि सारा दिन का आप इतना लो फील कर रहे होते हो, तो इसलिए यस। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर मी और मेरे जैसे लोग जिनको चाय बहुत अफेक्ट करती है। तो पानी जो था वो कैटल में हो गया है रेडी तकरीबन। इसमें आप कोई भी स्वीटनर डाल सकते हैं, जैसे कोई पाउडर यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो मोस्टली आप लोग, मैं भी जब पाकिस्तान में थी आई यूज़ टू हैव एवरी डे की चाय, जिसका कोई मुकाबला नहीं है कहीं पे भी। तो आप दूध के साथ भी बना सकते हैं, और लेकिन मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ। और ये गया जी पानी, और साथ में ये मेरा वनीला वाला है, आई यूज़ दैट, मुझे ये पसंद है। तो जी इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ अपना वनीला क्रीमर, साथ में आप पाउडर भी ट्राई कर सकते हैं, दूसरे दूध की भी चाय बना सकते हैं, इट्स अप टू यू एज योर चॉइस। सो मैं ये ट्राई करती थी तो आई थॉट कि मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि एक ये अच्छी चीज़ है, आपकी क्रेविंग भी खत्म हो जाती है और आप चाय भी पी लेते हैं। तो मैंने तो दो जो थे टी बैग्स डाले थे, बिकॉज आई लाइक टू हैव लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग। सो जी दिस इज़ द डी कैफ टी, कहीं पे भी अवेलेबल है ये, तो आप इसके साथ यूज़ करें। सो दिस इज़ द व्लॉग फॉर टुडे, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा थोड़ी सी एफर्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।